महामहिम द्रौपदी देवी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से आदिवासी समाज का बढ़ा सम्मान। माया शंकर शुक्ला। एनडीए गठबंधन ने उड़ीसा के एक दुर्गम गांव के रहने वाली आदिवासी समाज की महिला द्रौपदी देवी मुर्मू को पहली बार राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार कर जो सपना दिया है, सबकी चारों तरफ बुरी बुरी प्रशंसा हो रही है। आपको बता दें, उसकी चारों तरफ बुरी बुरी प्रशंसा हो रही है। उक्त विचार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य माया शंकर शुक्ला ने जनजाति एवं दलित बस्ती में भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर ढोल नगाड़े एवं आतिशबाजी के साथ दलित बस्ती में पार्टी की विचारधारा को लोगों के बीच में साझा करते हुए मिष्ठान वितरण कर समाज के लोगों को बधाई दी। इस दौरान आदिवासी एवं दलित समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा और खुशी का इजहार करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो ऐतिहासिक कार्य किया है वह सराहनीय है। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह और संचालन मंडल महामंत्री दुर्गेश मिश्रा ने किया। इस दौरान अनुसूचित जनजाति मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोंडा, अनिल गोंडा आदि समाज एवं भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपको बता दें, जनजाति समाज, दलित समाज एवं भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।